वंस अगेन गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो डिग्री व्लॉग। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज मैं घर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एग्जाम दे के आना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने, थोड़ा सा लिख के आऊँगा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तब तक आप यहीं पर वेट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा लिख के आता हूँ, थोड़ा सा। साहिल, तूने तो अभी तक पूरा पढ़ लिया होगा। चल बे झूठे। रोल नंबर। अबे कॉलेज से बाहर तो नहीं कर दिया आप लोगों को? ये रहा, मिल गया। रूम नंबर KB 307। क्या सोच रहे हो, यही कि एग्जामिनेशन हॉल खाली क्यों है? वो तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो डिग्री व्लॉग्स। मेरी एग्जाम फिनिश हो चुकी है और एग्जाम फिनिश होते ही हर बच्चे की जो तमन्ना होती है वो होती है घर। हाँ जी, सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल घर। लेकिन घर जाने से पहले मुझे बैग पैक करना पड़ेगा। चलते हैं बैग पैक करने। पैकिंग। इसका क्या काम है? बाकी है तो वो मुझे थोड़ा सा पैक करना होगा, तो चलते हैं पैकिंग की तरफ। वही ना भैया, ट्रेन छूट जाएगी। It's 2:15। अब जो है थोड़ा सा मुझे पकड़ना पड़ेगी ट्रेन, और ट्रेन पकड़ के मुझे जाना पड़ेगा चित्तौड़गढ़। देन चित्तौड़गढ़ से हम जाएंगे नीमच। या सही सुना आपने, नीमच जो कि मेरा घर है। सॉरी, ट्रेन पकड़ना नहीं, ट्रेन में बैठना होगा। बाइक निकली तब मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब दूसरी बाइक निकली तब मैंने ध्यान दिया कि पक्का एक कोई तो है। उसके बाद मैंने रैयान से पूछा, रैयान कौन हो सकता है? रैयान ने बोला, चलो चल के देखते हैं। पर एक ठहरी उनकी बाइक, एक ठहरी हमारी बाइक। हमारी बाइक खैर ज़्यादा महंगी थी, मजाक कर रहा हूँ, उनकी बाइक ज़्यादा महंगी थी, बट फिर भी कोशिश की हमने उन्हें पकड़ने की। देखते हैं आगे क्या होता है। Thank you.
और ये था हमारा बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर। बहुत मजा आया मिलके। उनसे मिलने के चक्कर में इतना बिजी हो गए कि मैं तो यही भूल गया कि मेरी ट्रेन भी है। अरे हाँ हाँ, पार्किंग वो पीछे की साइड था, बंद हो गया। सबसे खतरनाक सीन तो यही था कि ट्रेन ने भी एंट्री मारी और मैंने भी। फिर आया मजा। मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन, और स्टेशन हम बहुत ही ऐसी सिचुएशन से निकल के आए हैं जो कि बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अभी फिलहाल, क्योंकि मेरी ट्रेन ऑलरेडी ऑन टाइम हो चुकी थी और मुझे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी ट्रेन पकड़ ली है, क्योंकि बीच में हमें जो एक सरप्राइज मिला था वो बहुत ही खास है मेरे लिए। इसे कहते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली फीलिंग। रैयान मुझे बाय कर रहा है ये चीज तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये लोग मुझे बाय कर रहे हैं ये चीज समझ में नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, इन्हें भी बाय कर ही देता हूँ। बचपन याद आ जाता है जब गाय वैसे चलाया करता था। काश मेरी जिंदगी भी इस पानी की तरह होती, लोग देखकर मुस्कुराते तो सही। जिंदगी में बस एक ही काम करना बाकी है, बस इस सूरज की तरह चमकना है, बस चमकना है और चमकना है। सीन तो काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसे लेने के चक्कर में मुझे अपने मोबाइल की जान खतरे में डालनी पड़ी। कभी भी ट्रैक के साइड में मेरा नाम लिखा हुआ देखता हूँ टीजी, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कभी कभी। भूख तो बहुत जोरों की लगी थी और ये आगरा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिख रही थी तो सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां और कुछ भी नहीं। उस रात की ठंडी ठंडी हवा ने भूख को तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, तो आगरा आने ही था और हमें भी जाना ही था। आगरा आ चुका था तो नीचे उतरने का वक्त था और कुछ खाने का टाइम था। और नीचे उतरा भी तो मिला क्या, एक पानी की बोतल। भैया ने तो बोल दिया छुट्टे नहीं है, छुट्टे लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ। और क्या, नाइन्टी परसेंट जर्नी पूरी हो गई चित्तौड़ा के। उसके बाद में प्लेटफॉर्म चेंज करना था, दूसरी ट्रेन पकड़नी थी तो ओवरब्रिज से जाना था। आलस बहुत आ रहे थे, नींद भी बहुत आ रही थी, बट क्या करें, घर जाना जरूरी था। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यहाँ पे आके क्रिएट हुई कि सीढ़ियों से जाऊं या फिर रैम से। हम तो ठहरे आलसी इंसान, तो रैम से ही जाना पसंद किया। Thank you.
से देखता आ रहा हूँ इस फैक्ट्री को, आज भी वैसी है जैसी पहले थी, बंद। मुझसे ज्यादा तो लोको पायलट भी जल्दी थी, रेड सिग्नल के बाद भी ब्रेक नहीं लगाया। खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे जब नीमच बॉर्डर के अंदर घुसा, खुद ही देख लो कितना अच्छा है नीमच। राइट नाउ इट्स 8 AM, सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरी जो ट्रेन थी वो नीमच स्टेशन पर सुबह 7 बजे पहुंच चुकी थी। देन उसके बाद में मैंने वहां से ऑटो लिया, ऑटो करके मैं CRPF कैंपस में, अब मेरा जो घर है मैं वहां पे आया। देन यहां पे आने के बाद में सुबह अपना लगेज वगैरह मैंने सेट किया। देन लगेज वगैरह सेट करने के बाद में जो था ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद में मेरा मूड बना कि नहीं मुझे कहीं जाना चाहिए बाहर, लेकिन मुझे लगा कि रेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कल की जो जर्नी रही मेरी वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाली थी। हेडेक वाली मीन्स की जो थी ठंड बहुत ज़्यादा थी, कल का जो टेम्परेचर था वो मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस था। सो गाइस मेरी वीडियो के अंदर थोड़ी देर पहले ही आपने कुछ बाइकर्स ग्रुप को नोटिस किया होगा, वो बाइकर्स ग्रुप जो था वो किसी और का नहीं सिर्फ और सिर्फ मुंबई कर निखिल का ग्रुप था। लेकिन उस टाइम जो था मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे निकल चुका था। देन मेरी फ्रेंड रिया ने मुझसे बोला कि नहीं हमें पता करना चाहिए कि आखिर ये ग्रुप है कौन सा, अगर ये जो हम सोच रहे हैं वो निकला तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे हमने यू टर्न लिया, यू टर्न करते ही हम उनके पास गए और उनसे मैंने पूछा कि आपका ग्रुप कौन सा ग्रुप है। देन उन्होंने सीधा नाम लिया कि निखिल मुंबईकर। देन आई वाज शॉक कि व्हाट। देन उसके बाद में मैंने सोचा कि इनसे कुछ आइडियाज लेने चाहिए, मैंने उनसे कुछ आइडियाज लिए अपने ब्लॉग के लिए। देन उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई जिन पे मुझे वर्क करना चाहिए। उनसे मिलने के बाद में मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बात थोड़ी सी बुरी लगी अगर ये वहां तक जाए कि जब मैंने उनसे ये पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने रूडली मुझसे बिहेव करके बोला है कि बाइक है और क्या है, तो वो बात थोड़ी सी मुझे बुरी लगी। रियान ने मुझसे बोला कि होप ये मुंबई का निखिल भी अगर इनमें से कोई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुंबई का निखिल उनमें से था। लेकिन खुशी खुशी में मेरी जो ट्रेन थी वो अपना टाइम कवर कर चुकी थी और मैं जो था वो अपना टाइम और ज़्यादा बर्बाद कर चुका था। लेकिन मेरे लिए वो टाइम बर्बाद नहीं था, मेरे लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल था कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिल पाया वहाँ पे, उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए। देन उसके बाद मैं थैंक गॉड कि मैं स्टेशन पर राइट टाइम पे पहुँच गया। राइट टाइम पे तब पहुँचा कि मैंने जैसे ही अपना पहला स्टेप प्लेटफॉर्म पर रखा और मेरी ट्रेन ने अपना स्टेप अपने ट्रैक पे रखा, थोड़ा सा फनी हो गया, ठीक है चलता है। देन स्टेशन पहुँचने के बाद में रैयान ने मुझे वहाँ पर ड्रॉप किया। देन रैयान वापस हॉस्टल चला गया और मैं अपने घर आ गया नीमच। मैंने शूट करने की कोशिश की रस्ते में, लेकिन मैं कुछ सीन्स ही शूट कर पाया, लेकिन मैंने अपनी वॉइस भी देने की कोशिश की थी लेकिन मेरा माइक्रोफोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था जिसके कारण वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अब जो व्लॉग देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल नीमच में। सो देखते रहिए मेरा चैनल, तब तक के लिए बाय, क्योंकि मुझे भी सोना है क्योंकि जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सो बाय, सी यू सून गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मैं वेट कर रहा हूँ। कि नहीं मैं उस ग्रुप से मिला।